यहाँ पर मेरी आरती तो हो गई है और अब करूँगी मैं अपनी पूजा, जो कि होती है वो एक 11 की होती है अलग से देवी माँ की, तो वो पूजा करूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए पूजा हो चुकी है मेरी, 11 भी हो गई है, तो मैंने सोचा आप सबको भी थोड़ा दिखा दिया जाए। तो यहाँ की पूजा तो हो गई है ख़त्म घर की, अब जाना है मुझे मंदिर, मंदिर भी जाती हूँ। तो मंदिर से आने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, मुझे बनाना था खाना और आज मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि आज एक टिफ़िन जाएगा बाहर तो उनके लिए भी बनाना था। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, वहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है, आटा भी लगा के रख दिया है और यहाँ बनेंगे पुलाव। तो नकुल से मैंने मंगाया था ठंडा दूध, वहाँ पर दूध तो रखा है मेरे पास, आप देख सकते हो भगोने भर का भी रखा है, लेकिन गर्म है वो। ठंडा दूध मंगाया था पिंकी दीदी के यहाँ से, क्योंकि मैंने कल दूध नहीं मंगा पाया था तो फ्रिज में ठंडा भी नहीं हो पाया था। तो मुझे बनानी है लस्सी, और लस्सी बनाने के लिए ठंडे दूध की ज़रूरत पड़ती है, इसी वजह से मुझे पिंकी दीदी से मंगाना पड़ा एक गिलास दूध। तो मैंने कहा मेरा तो ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने कहा लस्सी ही बना के पी लूँगी फ़िलहाल में। और यहाँ मैंने मटर भी निकाल ली है चावल में डालने के लिए पुलाव में, तो चावल मेरे छौंक दिए वहाँ पर, यहाँ बनाऊँगी मैं अपने लिए लस्सी। तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा पी लेती हूँ, उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी मैं। तो लस्सी मैं दही और दूध की ही बनाती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगती है, और प्योर दही की मुझे अच्छी नहीं लगती। और नकुल मेरा पहले से ऑर्डर दे गया कि मम्मी मैं भी पीऊँगा, मैंने कहा ठीक है पी लियो। अब ऐसी भी ऐसी चीज़ बनाऊँगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे भाई, वो तो पियेंगे ही, खाएंगे पियेंगे। और यहाँ मैंने डाल दी अपनी चीनी अपने हिसाब से, मुझे कितना मीठा रखना उस हिसाब से। अब रात में वैसे भी ज़्यादा मीठा नहीं खाया पिया जाता बिल्कुल भी, तो नॉर्मल ही रखा है मैंने। और लस्सी वस्सी पीने के बाद मैं आ गई थी अपना खाना बनाने के लिए, और बहुत देर भी हो गई। अगर वही बात है ना, अगर फ़ोन ले लो और बैठ जाओ तो बैठे ही रह जाते हो, फिर उठने का मन नहीं करता। फिर मैंने देखा टाइम, अरे 1 घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे, तो फिर मैं उठी, फिर मुझे खाना बनाना था जल्दी, और देर भी हो गई और टिफ़िन भी जाना है, तो जल्दी तो करना ही है फिर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काम तो मेरा सारा निपट चुका है, काम हो गया है, फ्री हो गई हूँ मैं काम से, सारा काम ख़त्म हो चुका है। आप कह रहे होंगे पहले मैक्सी फिर सूट, हाँ मैं अभी नहाई हूँ थोड़ी देर पहले, तो मुझे आप सबसे बातें करनी है, कुछ ज़रूरी समझ सकते हो आप, या फिर तो फालतू की बात भी कह सकते हो, किसी के लिए फालतू की होगी, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, तो आपके साथ शेयर करने के लिए। क्या बात थी, मुझे सच में अब इतना गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हो, व्रत है फिर भी गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है, देख देख के आ रहा है, इस लोगों की वीडियो को देख देख के आ रहा है, क्यों कि पहले जब मास्क नहीं लगा रहे थे तो चालान काटा जा रहा था, खासकर गाड़ियों वालों पर, क्योंकि जो हमारे ऊपर भी बीती है हमसे भी लिया था चालान। जब आप सबको पता है, जब मैं अपने पापा के यहाँ से आ रही थी, मतलब हरियाणा से जब मैं आ रही थी यहाँ पर नोएडा के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने, मेरी सिस्टर ने और मेरी एक और सिस्टर बड़ी वाली बहन, मतलब बुआ की लड़की है, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, तो चालान काटा था, चालान काटा था 2000 का। वो बोल रहे थे कि एक जने पे 2000 कटेगा, 3 जनों ने नहीं लगाया तो 6000 रुपये का चालान कटेगा। तो भाई उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं काटो, मत काटो, गाड़ी में ही तो बैठे थे, शीशे लगे हुए हैं, क्यों काट रहे हो, मतलब ऐसे वैसे सब हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो नहीं माने पुलिस वाले बिल्कुल भी। दिल्ली में चालान काटा गया था हमारा, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं माने, और चलो ऐसे तैसे मेरे पापा ने दे भी दिए, ठीक है। सच बता रही हूँ, उस टाइम पर तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारी वजह से इनके 2000 रुपये ठंडे हो गए, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। बाद में तो हंसी भी आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे बहुत बुरा लगा। और अब रैली निकाली जा रही है हर जगह, वहाँ पर वोट के लिए जो रैली निकल रही है उसमें तो किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, खुद नेता ने मास्क नहीं लगा रखा, क्या बात है भाई। अब तो चालान नहीं काटा जा रहा, ये बताओ पहले है, जब देश के हमारे प्रधानमंत्री जो हैं और जो और भी हमसे बड़े बड़े हैं, जैसे कि नेता वगैरह हैं, वो मास्क नहीं लगाएंगे, हम उनसे ही सीखेंगे ना, जब वो ही नहीं का नियम का पालन करेंगे तो हम कहाँ से कर लें। हम तो चार पहिए के अंदर गाड़ी में बैठे थे, शीशे लगे हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम कोई भीड़ भक्कड़ में नहीं गए थे, फिर भी चालान काटा गया था हमारा, क्या बात है भाई। बस देख लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं कर सकते, चलो काट लो भाई। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत ही ज़्यादा। ये करोना मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे क्या सच में लगता है कि करोना वगैरह कुछ भी नहीं है, ये फालतू का ये चल रहा है। और इसके पीछे देख लो ना, जब किसी दिन कभी भी राज खुलेगा ना, कभी भी इसका जो ये बोल रहे हैं हॉस्पिटल में इतने लोग मर रहे हैं, कभी भी खुलेगा, सच बता रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा। और खुलेगा ये राज, जरूर खुलेगा। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ रही, मुझे इसलिए मुझे आप सबसे साथ शेयर करने का मन किया तो मैंने कर दिया। वैसे तो गुस्सा करने से हम कुछ नहीं कर सकते, बस कर ही सकते हैं बस। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, जो किसान लोग हैं उनमें से किसी को करोना नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। बस खाली जो गरीब लोग काम कर रहे हैं ना रोजंदारी, जो रोज़ कमा के खा रहा है, बस उन्हीं को हो रहा है करोना और किसी को नहीं हो रहा है। और एक और बात, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं जैसे अमिताभ बच्चन जी हमारे हैं, उनको करोना हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गए, सेफ हो गए वो। और भी मतलब एक योगी जी को मैंने सुना था, योगी जी को भी मतलब करोना हो गया, पॉजिटिव आए थे, वो भी ठीक हो चले। भाई बड़े बड़े लोग ठीक हो रहे हैं, गरीब लोग क्यों मर रहे हैं करोना से? क्योंकि करोना का पता है कई गरीब लोग इनको मार मतलब मर जाइए, उनको पता है क्या? पता नहीं क्या चल रहा है इसके पीछे, क्या बात है क्या नहीं है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही। मैं इतनी सारी न्यूज़ देखती हूँ, कुछ तो कह रहे हैं इतने सारे लोग मर जाते हैं, कोई कहता है कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। सच में गुस्सा तो बहुत आता है, क्या है ये क्या नहीं है पता ही नहीं चल रहा। पर लेकिन जब इसका राज खुलेगा ना, सच बता रही हूँ, बहुत बड़ा रैकेट निकलेगा इसके पीछे, बहुत बड़ा। कुछ करोना वगैरह कुछ नहीं निकलने वाला, निकलेगा कुछ और ही। फिर चलिए, फिर हम लोग लास्ट में यही बोलते हैं, भाड़ में जाए हमें क्या करना है ना, यही तो बोलते हैं, जो कि मैं भी कई बार बोल चुकी हूँ, भाड़ में जाए हमें क्या करना, चलो हमें क्या करना। सही बात है, जो होगा सबके साथ सो हमारे साथ होगा, यही सोच के बैठे हैं। और तो चलिए फिर मैं वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि शाम तक का वीडियो शायद कल जाएगा, आज तो यहीं तक का जाएगा, और हो सकता है तो शाम तक का भी साथ शेयर कर दूँगी आपका। तो अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हुई हो तो, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, मेरी थोड़ी सी भी बात आपको पसंद आई हो, ये थोड़ी सी भी समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी जो नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। मैंने तो अपनी बात आपके साथ शेयर कर दी, जो मेरे साथ हुआ मैंने कर दिया। अब मैं लोगों को देखती हूँ बिना मास्क के घूमते फिरते अपने आगरे में, भी हर जगह देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता, सच बताऊँ। हम तो गाड़ी के अंदर बैठे थे फिर भी चालान काट लिया गया, और यहाँ से भी गए थे ना, यहाँ से भी बस घर पहुँचने वाले थे हरियाणा के पास, वहाँ भी चालान काटा गया। वहाँ किस लिए काटा गया कि आगे सीट बेल्ट नहीं लगी थी, बस सीट बेल्ट लगाए हमें 2 मिनट हुए थे खोले हुए, क्योंकि दम घुटता है उसमें भाई, मास्क में भी दम घुटता है, ज़्यादा देर लगा नहीं सकते हो। सीट बेल्ट भी ऐसी होती है, लेडीज़ ज़्यादा देर लगा नहीं सकती, आदमी तो लगा सकते हैं, पेट दुखता है लेडीज़ों का, उसकी वजह से भी चालान काट लिया था। उसका तो 500 रुपये में ले दे के मान गया था वो, पर लेकिन कटा तो ना, पैसा तो गए ना भाई हमारे, बेफालतू में। तो गुस्सा तो आया भाई मुझे बहुत ज़्यादा, तो चलो भाई जो हो गया सो तो हो गया, वो तो चलिए मिलते हैं शाम को।